अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के अंदर एक कमबैक दिखाई दे रहा है। फाइनली फोर्थ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक पॉजिटिव ट्रेडिंग परफॉर्मेंस देखी गई है। ओवरऑल कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, IPOs आए हैं न्यू और उसमें काफ़ी हद तक बुक बिल्डिंग अच्छी दिखाई दे रही है। आज के दिन हमने 7 times हाई देखी है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जो नंबर्स आ रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी हद तक अच्छे आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई देती है। और अगर FATF की बात करें तो 35 जो हमारी प्रोसीडिंग्स थी उसके ऊपर भी बात हो रही है। इट मींस के तमाम जो टॉपिक्स थे, तमाम जो हर्डल्स थी उनको एड्रेस कर लिया गया है और फाइनली कुछ फरवरी के लिए अच्छी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां पर हमारे लिए वाइट लिस्ट की जो इम्कानात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर किए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मार्केट के अंदर कुछ सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने आज की मार्केट में देखा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाईलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,396.71 के लेवल पर। हायर साइड से मार्केट गई 46,665.48, वेल अबव 46,500 साइकोलॉजिकल बैरियर। लोअर वॉज 46,396.71, सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 46,625.12, यानी कि वेल अबव 46,500 साइकोलॉजिकल बैरियर के क्लोजर हुआ है। 228.41 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 395.90 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। आज के दिन कुछ डिक्लाइन देखा गया 81.80 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 16.52 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीटर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स कल भी हमने यही स्क्रिप्ट्स तकरीबन पार्टिसिपेट करते हुए देखे थे और आज भी यही देख रहे हैं। GGL 3.44 का डिक्लाइन, 44.95 पे क्लोजर, 56.67 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड सेकंड स्कॉट पे 0.14 का डिक्लाइन, 22.97 पे क्लोजर, 41.11 मिनिशेस ट्रेडेड। एंड लास्टली WTL 0.01 का डिक्लाइन, 3.33 पे क्लोजर, 20.38 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। MSCI के न्यूज़ आने के बाद कुछ फियर भी दिखाई दे रहा था मार्केट के ऊपर। तो टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसकी परफॉर्मेंस और तमाम जो ये रूमर्स दिखाई दे रहे हैं या एक नेगेटिव इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फरीद आलम साहब, CEO ऑफ AKD सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सर, मार्केट की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और एक अच्छी चेंज आज के दिन देखी गई है। मंडे से एक्सपेक्टेड था लेकिन आज इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है, यू टेक ऑन। जी, आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रोडक्शन में। MSCI की जो ये एक हवा क्रिएट हुआ था मार्केट के ऊपर और मार्केट बहुत सारे प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, या इस तरह कह लें कि स्ट्रेट अवे उसको प्राइसिंग में नहीं डाल रही थी किसी साइड पर जाते हुए, बिल्कुल स्टैंड थोड़ी सी बहुत फंसी हुई थी मार्केट। तो कल का जो इम्पैक्ट था MSCI का इमर्जिंग मार्केट से निकल के फ्रंटियर में जाने का, उसका एक रिएक्शन था, नी जर्क रिएक्शन था, जिटरी रिएक्शन था कल जो हमने देखा। लेकिन उसके बाद आज, यानी जो हवा क्रिएट, जिस तरह मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो थोड़ा सा सबसाइड हुआ तो लोगों ने आज फ्रेश एक लुक ली। और जो मेगा स्टॉक्स हैं जो MSCI के इमर्जिंग मार्केट से निकल के अब फ्रंटियर में जब जाएंगे, अब इसमें टाइम है, नवंबर में जब जाएंगे, लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट के शेयर्स हैं लोगों ने बहुत देर से वो बेचते आ रहे हैं। उसके अंदर 3 स्टॉक्स MCB, UBL और लकी HBL। हाँ, तो उस स्टॉक्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर आपने देखा कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से नहीं परफॉर्म कर पा रहा, अपार्ट फ्रॉम वन इस्लामिक बैंक, बाकी सारे बैंकों के जो ना उसके अंदर प्राइस डिस्कवरी है ना उसके अंदर वॉल्यूम है, और प्रिसाइसली यही रीज़न बना हमारा इमर्जिंग मार्केट से निकलने का। क्योंकि हमारे जो हैवी वेट्स हैं उसके अंदर ऑयल, OGDC, PPL, पाको, PSO, इन तमाम, ऑयल पूरा डाउन रहा पाकिस्तान में, और हमारे जो 3 जो हैं जिस तरह मैंने जिक्र कर दिया, इन तीनों स्टॉक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट हमारा भी नहीं है और गोरे का भी नहीं है, तो इसलिए उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुई, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए एक थ्रेशोल्ड था वो नीचे आया। राइट। फिर उसमें एक तो है कि ना सिर्फ उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि हम कैसे निकालते हैं कि आउटस्टैंडिंग पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट, तो वो डॉलर टर्म्स में उस लेवल का नहीं था
बिकॉज उसकी प्राइस डिस्कवरी, इन तमाम शेयर्स का आप देख लें कि रेट पहले क्या होता था और आजकल क्या है, ये बहुत लंबी डिस्कशन है कि क्यों है और कैसे है, बट सफाइस इट मे बी टू से कि उस जो हमारी टॉप की कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, उनके अंदर इस वक्त पिछले एक दो साल से इंटरेस्ट बहुत सबसाइड हो चुका है। राइट सर, कुछ रूमर्स भी मौजूद हैं MSCI में, जब यही एक रीज़न, वन ऑफ द रीज़न जो आपने डिस्क्रिप्शन दी, जिसकी लिक्विडिटी जा रही है मार्केट से, फॉरेनर्स काफ़ी सेलर्स हैं, नेट सेलर्स हैं, बाइंग नहीं कर रहे, अट्रैक्शन नहीं रही, डॉलर जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये प्लीज़ रूमर्स वाइप आउट कीजिए, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब इस टाइप की न्यूज़ आती है। देखिए मैं खुद एज अ पर्सन, मुझे बहुत खुशी थी जब हम इमर्जिंग मार्केट्स में गए थे। मैं बल्कि इनफैक्ट जब ये 2017 में हम दोबारा से, यानी हम इमर्जिंग में बिलोंग करते थे, हमारे सारे खदोखाल जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स वाले हैं, आज भी हैं। अच्छा, और एक वो प्रेस्टिजियस क्लब है इमर्जिंग मार्केट्स का, फ्रंटियर एक थोड़ा नीचे है उसमें, चले बांग्लादेश और वियतनाम जैसे हैं मुल्क तो इसलिए चल जाता है, वरना उसके अंदर नाइजीरिया भी है और कीनिया भी है और बहुत सारे और भी हैं, तो फ्रंटियर का मतलब आप समझें कि फ्रंटियर है, लेकिन उसमें बाद में आएंगे कि सिल्वर लाइनिंग पाकिस्तान के लिए कहाँ है, लेकिन अभी मैं आपका पहले वाली पॉइंट का आंसर दे रहा हूँ कि आपने जब इमर्जिंग मार्केट में हम गए तो इस वाले फैक्ट का मैं क्या करूँ कि उस वक्त से आज तक हम गोरे जो हैं 1.9 बिलियन डॉलर का माल बेच चुके हैं, वो बेचते ही जा रहे थे। उसकी दो रीजंस हुई, एक तो ये कि उनके अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिन्हें हम अपनी जबान में फंड मैनेजर्स की AUMs कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो कम हुए ड्यू टू कोरोना और समथिंग, वो भी बहुत लंबी लिस्ट है कि क्यों कम हुए, लेकिन कम हुए, तो उसकी वजह से हमारे बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ गोरे के यहाँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे इकोनॉमीज में अब आउटफ्लो हुआ। राइट अच्छा, अब ये है कि वो जो प्रेस्टिजियस क्लब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका साइज जैसा भी था उसमें हमारा पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो फ्रैक्शनल हो गया, 2 बेसिस पॉइंट, यानी 0.02 को, हाँ तो 2 बेसिस पॉइंट तो ना इधर था ना इधर था, मतलब हम बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गए थे, इमर्जिंग में तो थे लेकिन हम बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गए थे। तो अब ये हुआ कि अब हम जिस तरह हमारे रिसर्च ने भी एक पॉइंट लिखा इसके ऊपर कि हम आप बड़ी मछली बन गए हैं एक छोटे तालाब में, पहले हम ओशन में एक टाइनी फिश थे। राइट तो अब हमारी प्रेजेंस थोड़ी सी फील होगी, क्योंकि हमारा जो साइमुलेशंस, अभी हमने जाना है जिस तरह मैंने कहा नवंबर में, ये तो फैसला होता है फिर आगे बीच में थोड़ा पीरियड होता है फिर जाते हैं, तो हमने लास्ट टाइम जब साइमुलेशंस रन की थी MSCI ने भी और हमारी टीम्स ने भी, तो हमारा 2.3% बन रहा था वेटेज, लेकिन थोड़ा मार्केट और गिरी तो अब 1.9% बन रहा है, तो 2 बेसिस पॉइंट जहां हमें कोई बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी उसको छोड़ के अब हम 1.9% तो हैं। बट एक फायदा जो अब सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो बड़े स्टॉक्स थे, मेगा स्टॉक्स थे, उनकी परफॉर्मेंस भी और उन जिस सेक्टर के वो हैं, ऑयल भी पाकिस्तान में और दुनिया में अभी तक नहीं चल रहा था, हाँ अब ये है कि ऑयल ऊपर गया नीचे गया, तो बट जो मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और फिर आऊंगा मैं बात, तो अब ये जो मिड हमारी जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो मिड टीयर स्टॉक्स की है, तो इसके अंदर जो अब हम फ्रंटियर मार्केट में हमारे जो 16-17 जो शेयर्स जो साइमुलेशंस उनमें बताई कि ये प्रॉबल होंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और जब कोई ट्रैक करेगा इंटरनेशनल फंड मैनेजर उन शेयर्स को जिनके अंदर मार्केट के बहुत सारे शेयर हैं, जिसके अंदर वॉल्यूम भी है वैल्यू भी है, तो हमें लगता है कि एटलीस्ट चलो उनके अंदर जो बड़े मेगा स्टॉक्स में तो नहीं होगा, बट इन वाले शेयरों में अच्छा काम होगा, उसकी प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी, तो हमारे जो छोटे सरमायाकार हैं उनको थोड़ी सी साय ऑफ रिलीफ है कि उनकी पसंद के शेयरों में, क्योंकि लकी सीमेंट या HBL या UBL में ब्लू चिप कह लें, इनके अंदर लोग कम काम करते थे, जिनमें काम करते थे अब वो इंडेक्स का पार्ट बन गए हैं, तो ये लोग थोड़ा सा जो सर आपने कहा कि जाइंट जैसा साइज हो जाएगा हमारा, एक बिग फिश बन जाएंगे हम पूल के अंदर, आप समझते हैं कि अब जो FDI या जो फॉरेनर्स अट्रैक्ट करेंगे हमारी मार्केट को, अब आएंगे और आएंगे तो कितना साइज जो है वो अब आ सकता है या कितनी एक्सपेक्टेशन है हमारी? ठीक, जाइंट का मैं क्लियर कर लूँ कि जाइंट नहीं बनेंगे, 1.9 है, बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह,
परसेंटेज हमारी जैसे बढ़ेगी। हम 2017-16 में जब इमर्जिंग मार्केट तो 9% जैसे थे एग्जैक्टली तो लेकिन उस वक्त था और इमर्जिंग मार्केट में हम गए थे, रिक्लासिफिकेशन हुई थी, लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दी थी। तो आप समझते हैं, देखिए हमने एज पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट ने फ्रंटियर के अंदर रह के ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है ऑलवेज या लास्ट टाइम की बात करें? ओके, क्योंकि 2008 में भी हम गए थे जी। हमारा जिस तरह मैंने कहा कि हमारी, देखिए हमारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या हमारे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अडॉप्शन है या हमारी जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है वो तमाम की तमाम वो ग्रुप ऑफ 22 के बराबर है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑडिटेड अकाउंट्स छपते हैं और उनको जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल डेवलप्ड वर्ल्ड के मुताबिक है। तो मुझे याद है हम 2014 में हमें SECP पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और दो तीन हम या कैपिटल मार्केट के लोग हम गए थे अपना केस प्लीट करने के लिए कि हमें फ्रंटियर मार्केट से निकाल के इमर्जिंग में डालो। तो उनमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमारे सामने काउंटर बैठे हुए थे, उन्होंने इस हर चीज़ पे एग्री किया और इस चीज़ पे खास तौर पे नोट ऑफ हेड था फॉर पाकिस्तान कि आपकी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग या जो वो इट इज़ इक्विवेलेंट टू पार टू एनी डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इस सेक्टर ये मतलब पाकिस्तानी के तौर पर खुशी मुझे उस वक्त भी थी, हमेशा रहती है कि हमारी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हाँ कभी कभी तो हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए। और ये एक पूरा एक एक ऑल सेट ऑफ यानी एक चीज़ नहीं है, ये हमारे अकाउंटिंग फंक्शन से लेके फाइनेंस फंक्शन से लेके ऑडिट से लेके ICAP से लेके और ये जो वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि इस डिस्कशन के अंदर अभी जो सिल्वर लाइनिंग पे अगर हम बात कर लें तो मैंने एक तो पॉइंट आपको दिया कि हम थोड़ा सा साइज बढ़ेगा और दूसरे कि उन शेयरों में ज़्यादा काम होगा और कोई ट्रैक जब करेगा गोरा लेने आएगा तो लोकल्स को भी पता होगा। हमारे यहाँ ये है कि जो फंड मैनेजर है उससे तो एक्सपेक्टेड भी ये है और होता भी ये है कि उसको पता है, जिस तरह बुक बिल्डिंग में हम जो प्राइस डिस्कवरी देते हैं वो हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देते हैं। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल छोड़ दें क्योंकि हाई नेटवर्क भी शामिल हो जाता है उसमें, तो हम कहते हैं कि जो फंड मैनेजर है उसके पास तमाम रिसर्च तमाम डाटा मौजूद है एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए। राइट, लेकिन सर समटाइम्स आप फंड मैनेजर्स का जिक्र कर रहे हैं तो कभी कभार ये इतनी अब्रप्टली सेलिंग करते हैं कि ये मार्केट बिल्कुल जो है वो ऑफ हो जाती है या फिर सेंटिमेंट्स डाउन हो जाते हैं, अच्छी मार्केट को भी खराब कर दी जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? हाँ ये देखिए मैं भी जब फंड मैनेजर था और मेरे ऊपर भी सब लोग कहते थे कि आपने ऐसा क्यों किया क्यों किया। तो देर आर टाइम्स कि जब वो फंड मैनेजर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है या उसके ऊपर जो बोर्ड होता है वो एक पूरी लेयरिंग होती है, तो उनको अगर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर हो रहे हैं डाउन हो रहे हैं एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उनकी फंड मैनेजर अकेला इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल दिस थिंग। ये आपने जो तवज्जो दिलाई जिस सवाल किया, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू आस्क अस ऑल्सो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत माल उसने बेच दिया है 14-15 बिलियन का माल आ गया है वो अच्छी मार्केट भी थोड़ी सी डगमगा जाती है तो वो अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि हम कैसे हैं हमारा पीयर क्या कर रहा है। तो जो मैंने आपका सवाल जहाँ से पिक करके छोड़ा आखिर कंक्लूड करते हुए रह गया वो ये है कि जब फंड मैनेजर अगर इस तो मैं अब आ रहा हूँ कि अगर फ्रंटियर मार्केट की वो 16-17 कंपनी है जिसके अंदर फंड मैनेजर इंटरनेशनल एक वैल्यू निकालेगा प्राइस डिस्कवरी करेगा तो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि लुक अगर एक मॉर्गन स्टैनली का कर ले कोई भी कोई फंड मैनेजर कर ले ब्लैक रॉक तो खैर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं नाम जरे जहन में आ रहे हैं क्योंकि हमारे AKD के साथ उन्हीं के साथ तल्लुकात ज़्यादा हैं। कोई भी फंड मैनेजर इंटरनेशनली अगर एक कंपनी XYZ में नाम नहीं लेता अगर हम चला रहे हैं उसको 100 रुपये पे और वो डिमांड से या किसी वजह से वो कहता है नहीं है तो इट इज़ गुड फॉर 120 तो जो लोकल है वो उसके कॉन्फिडेंस से अपने आप को या अपने स्टेप को मूव एडजस्ट करेगा। तो लर्निंग बहुत होगी हमारे लोगों की जो कि इस वाले इंडेक्स को देखेंगे क्योंकि देखें ये ज़रूरी नहीं है कि फंड मैनेजर इस वाले को फॉलो करें लेकिन इट इज़ कस्टमरी टू अगर ये जो है MSCI का जो भी फ्रंटियर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको आउट परफॉर्मेंस करनी हो या अंडर परफॉर्मेंस करनी हो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि अगर 1.9 है तो शायद उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। दिस इज जस्ट इंडिकेटिव, अभी तो ये कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरह अब तीन स्टॉक्स में से ये दोनों स्टॉक तीसरा नहीं दो है मैं नाम नहीं लूंगा वो पिछले एक हफ्ते से उसकी सेलिंग चल रही है और नजर आ रहा है सारा कि गोरा जो है बिकॉज ये इमर्जिंग मार्केट से ये शेयर निकल गए हैं हम ही निकल गए हैं तो ये शेयर भी जाहिर है ये अब इमर्जिंग से निकल के फ्रंटियर मार्केट में इनमें से एक दो चार शेयर शायद वापस भी आ जाए लेकिन वो
निकलेंगे वो लार्ज कैप से निकल के मिड कैप में आएंगे। तो गोरे की सेलिंग जारी है, बहुत अरसे से जारी है इन शेयर्स में, बिकॉज ये जो कल फैसला हुआ इट इज नॉट कि हम सो के उठे पा चला गया हो हम तो इमर्जिंग से फ्रंटियर में आ गए, ये इंडिकेशन थी काफी अरसे से थी। बिल्कुल। अच्छा सर, बुक बिल्डिंग्स हो रही हैं, न्यू बड़े जबरदस्त चीजें आ रही हैं, क्या कमेंट करेंगे इनके ऊपर जो आज खासकर जो हमने सिचुएशन देखी है? देखिए आज का तो एक हिस्टोरिकल डे है क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछले कोविड से लेकर आज तक, पाकिस्तान में और दुनिया में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर एक खास मोहब्बत जागी हुई है इन्वेस्टर क्लास की, और राइटली सो, इट इज नॉट अनफाउंडेड कि अब उस कंपनी तो टेक्नोलॉजी ही है ना मेन, तो अब टेक्नोलॉजी का ही दौर है, सब यही देखा जा रहा है आज जी, जी। तो अगर हमारी मार्केट का मल्टीपल सिर्फ 7 times है तो टेक्नोलॉजी का अगर 20, 22, 25 भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि हमने दुनिया में देख लिया क्या क्या हुआ। और मैं जिस तरह बार बार आज जिक्र कर रहा हूँ दुनिया का, वो इसलिए कि हमारे जो यंगस्टर्स या जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो ज़रूर देखते हैं दुनिया के ट्रेंड क्या हो रहे हैं। देखिए पुराने ज़माने के जो हमारे ब्लू चिप्स थे हाथी, वो आजकल बिल्कुल बकरी हो गए हैं, बिल्कुल यही हो रहा है। और दुनिया देख रही है कि टेक्नोलॉजी बढ़ी दुनिया में तो पाकिस्तान में भी बढ़ी। अब देयर आर कंपनीज जो कि उनकी, मैं तो उनके बोर्ड को और उनके स्पॉन्सर को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक कंपनी जिसका क्लाइंटेल भी बाहर है, उसका हेड ऑफिसेज भी बाहर है, लेकिन वो लिस्ट पाकिस्तान में हो गई। अगर वो यहाँ लिस्ट ना होती तो उसको भी इस वक्त 100 का मल्टीपल मिल रहा होता, लेकिन क्योंकि वो यहाँ लिस्ट हो गई तो उसका मल्टीपल सबड्यूट होकर छोटा हो गया। Right. लेकिन इन्वेस्टर्स जो दुनिया में हैं, एक दो और कंपनी है ऑल्दो इट इज़ वेल नोन कि हमने जो छोटा सा पौधा लगाया था एक टेक्नोलॉजी कंपनी में, लिस्टिंग की थी हमने उसकी, वो आज जिस पे लिस्ट किया था उसकी प्राइस डिस्कवरी लेट से 55 पे हमने उसको लिस्ट किया था, आज वो 700 रुपये पे है। तो हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट एंड द स्पॉन्सर्स, बट साइड बाई साइड टू द इन्वेस्टर्स हु सॉ पोटेंशियल इन द कंपनी एंड वो विलिंग टू इन्वेस्ट, और ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी। राइट, चले इस पे बात हो रही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे रिपोर्ट देखते चलते हैं फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एशिया रीजन में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी और मार्केट में सरमायाकारी पर मिलने वाले बुलंद मुनाफे को पाकिस्तान के हमसाये मुमालिक ने सराहा है। माहिरीन की जानिब से एक जानिब शरह नमो मजीद बढ़ने की पेशनगोइयों ने सरमायाकारों में एतमाद दिया है, तो दूसरी जानिब शोभा जाती बुनियादों पर सरमायाकारी की बिना पर मार्केट ग्राफ बुलंदी की जानिब चल पड़ा है। यही नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत माशी आशारियों, वाजिबात की नकद और बॉन्ड्स की सूरत में अदायगियों, हुकूमत और IPPs के साथ मुहिदों ने असर डाला है, जबकि सीमेंट पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त और ऑटो फाइनेंसिंग के हजम में इजाफा भी मार्केट पर असरअंदाज होने में कामयाब रहा है। दूसरे शोबों के साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर में भी तेजी देखी जा रही है, जबकि दीगर शोबों की तरफ नजर दौड़ाएं तो बैंकिंग, ऑटोज, स्टील, टेक्नोलॉजी और फार्मा ने भी भारी मुनाफा कमाकर ग्रोथ दिखाई है, जिसकी एक बड़ी और अहम वजह पाकिस्तान के IMF के साथ ताल्लुकात उस्तवार होना भी है, जिसने कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर को एतमाद फराहम किया है। आलमी मालियाती फंड IMF की जानिब से पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर जारी होना खुद IMF की नजर में एक तारीखी दिन है। वजारत खजाना के मुताबिक इस रकम की मुंतकली से पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान के आलमी इदारों से बढ़ते ताल्लुकात की रोशनी में ये भी कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान FATF बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगा और माशी क़ुव्वत बनकर तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कदम से कदम मिलाकर आलमी माशी ग्रोथ में अपना हिस्सा डाल सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस एक तरफ, लेकिन FATF भी एक बड़ी, हम कहेंगे एक पॉइंट है जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स की परफॉर्मेंस पे आ सकता है। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, आपने रिपोर्ट देखी है, एंड में FATF का भी एक चंक आया है, मैं चाहती हूँ उस पर कॉमेंट करें। आप 35 points थे जिसको एड्रेस कर लिया गया है, रिकमेंडेशन अच्छी जा रही हैं, अब क्या आउटकम दिखाई दे रहा है फरवरी जो आएगा न्यू? देखिए मुझे लगता है कि अगर FATF वाले अपना गोल पोस्ट चेंज ना कर दें दोबारा, जो ये करते आए हैं बहुत देर से, तो पाकिस्तान इज अबंडेंटली कंप्लाइंट टू एवरीथिंग। लेकिन ये आपने देखा कि हमने और ये मीडिया पे भी ये बात चलाई और लोगों को भी समझाया गया, बट जाहिर है जब ये हो जाएगा तो बहुत बड़ी खबर होगी सबके लिए, हम मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बट मैं हमारा एज अ पाकिस्तानी दिल मुतमईन है कि वी हैव बिन डूइंग व्हाटएवर वाज नीडेड ऑफ अस। ये अलग बात है कि वो हमसे
थोड़े से स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं लगता है टाइम्स, अदरवाइज हम लास्ट ईयर ही निकल चुके होते बिल्कुल सही बात है। तो सर अब जो उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और बहुत स्ट्रिक्टली अब सारी चीजों को फॉलो अप ले लिया गया है, तो आने वाले दिनों में कुछ इम्कान है कि अब तो फाइनली हम चले जाएंगे, कुछ ऐसा है? जी लग तो रहा है चले जाएंगे इंशाल्लाह। और जो आपने बताया ना, इसकी काफी बड़ी प्राइस पे की पाकिस्तान की इकोनॉमी ने FBR की सख्ती में, SCCP की सख्तियों में, और ये जो अचीव करना हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं और पूरी टीम का नीचे तक इतना आसान काम नहीं है जो कुछ भी अचीव हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ, बल्कि मैं सिर्फ अपना अभी आंसर देता हूँ, पहले कैपिटल मार्केट से, फिर आपने किसी और सेक्टर के बारे में पूछना तो आपकी मर्जी। हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके तहत हमारा स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज हाउसेज और एवरीबडी गवर्न होता है, वो है बिल्कुल अमेरिका के लेवल का है बिल्कुल। लेकिन जो बाकी मार्केट्स हैं हमारे से कंपेरेबल, जहां डिफरेंट एसेट क्लासेस में लोग जाते हैं, वहां वो घाना, कीनिया और नाइजीरिया वाले रूल्स हैं। अच्छा, तो हम अच्छा, वी आर हैप्पी अबाउट इट, हमें कोई खुदा ना खास्ता इसकी समझते हैं जो ये रेगुलेटर है वो ज्यादा रेगुलेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं। और एक जो हम लोग जो सब रिपोर्टिंग करते हैं और इतने स्टाफ रखते हैं कि जो इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग करे या रिसर्च रिपोर्ट बनाए वो कंप्लायंसेस ही देखता रहे, और ये तो इसका जरूर है। और ये आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बियॉन्ड द एनालिस्ट रिएक्शन टू इट, वो भी ऑब्जर्व करके ही देते होंगे, बट आई थिंक जो जिसके ऊपर गुजरती है ना उसे पता होता है कि ये थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट्स के लिए खासे सख्त हैं और होते जा रहे हैं। कुछ टैक्स हॉलीडेज होने चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए, आप समझते हैं कुछ ऐसा एनवायरनमेंट आ जाए। पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर नाराज होता है मुझसे इस बात पे, वो तो या सब्सिडी से या मराद से या सस्ती गैस पे चलता था, तो हमारे ब्रोकरेज इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती। हम लोग बिल्कुल कैपिटल गेन टैक्स भी कितने अरसे बाद बजट में आया है सर, फिर वो तो फिर बात बड़ी डिबेट हो जाएगी। नहीं नहीं, आप कर लें डिबेट, लेकिन ये कैपिटल गेन टैक्स के अंदर भी अब आप ये देखें, इस पॉइंट से भी आप अंदाजा लगाएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो एक तो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाना तो किसी मुल्क में बहुत आसान है, हमारे यहाँ तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह हम बात कर रहे हैं। एक और आपने बात की थी, उसका दो का मिला के मैं आंसर दे देता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके ऊपर टैक्स जब कटता है विद होल्डिंग टैक्स, अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, और आपने देखा कि तमाम कंपनियाँ, ये इनकरेजिंग बात ये है कि हम जिनको मैप करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कंपनीज अंडर आर कवरेज एट इक्विटी रिसर्च, या सबके सब हर क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ती आ रही है। मैं सिर्फ अपने नाजरीन के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई हमने, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस क्वार्टर में जो ये गुजर रहा है हमारी मार्केट ने 100 बिलियन का डिविडेंड दिया है। हमारी मार्केट से मुराद है लिस्टेड कंपनीज ने 100 बिलियन का डिविडेंड दिया। अब जब डिविडेंड दिया तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस भी गए, फिर जो 100 बिलियन यानी ये वो पैसा है कि जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐड हो जाएगा, शेयर्स में भी कट रहे हैं पैसे, फिर डिविडेंड जो दे रहे हैं उनमें भी आ रहे हैं, तो टैक्स आप समझ रहे हैं कि ये ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ नहीं, वो हमने बात की थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ये है कि फिस्कल साइड पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मार्केट की बायंसी से या अच्छा परफॉर्म जब करती है तो कैपिटल गेन टैक्स मिलता है, और जब कंपनी जब अच्छा कमाती है और नफा देती, कंपनी ने कमाया उसने इनकम टैक्स दिया, उसने इनकम टैक्स देने के बाद जो बचा उस पे जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो उनको जब उन्होंने डिविडेंड दिया उस पे फिर टैक्स कटा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये जो है ना, इसकी वैल्यू है हर गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए खास तौर पे। सर टैक्स की बात हो रही है तो टैक्स जो है वो कलेक्शन अच्छी जा रही है, हम फिस्कल ईयर के स्टार्ट से देख रहे हैं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, टैक्स टारगेट्स बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जो अभी जाहिर सी बातें रिटर्न्स भी फाइल करने की डेट्स आ रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये अच्छा सिस्टम जो सिस्टमैटिक चीज़ें चल रही हैं उसके बावजूद जो IMF की प्रेशर आ रहे हैं वो ज़्यादा है? अब आप रेगुलेटरी टाइटनिंग की बात करें तो मैं चाहती हूँ यहाँ भी जी जी देखिए IMF के साथ जो हमारे नए मिनिस्टर साहब ने जो स्टैंड लिया है वो एक शौकत तरीन साहब ने, एक उनका अपना पर्सनालिटी का ओरा है, हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ, और अब उस वाले स्टांस के साथ इफ ही पुल्स थ्रू द प्रोग्राम
जो एक्सटेंडेड हमारा जो IMF के साथ चलने वाला है सितंबर में, तो आई थिंक इट विल बी ऑल गुड। हाँ, एक तो हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा आपका और नाजरीन का समझना, कि इट इज़ नॉट द क्वांटम ऑफ मनी डेट वी लुक फॉरवर्ड टू कि IMF हमें ये दे दे तो हम खुश हो जाएंगे। पैसा तो आपको पता है, रिजर्व्स हमारे इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे। होता ये है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं और ठीक चल रहा होता है आपका प्रोग्राम, तो एक मल्टीलैटरल एजेंसीज और दुनिया पूरी आपके साथ पीछे खड़ी हो जाती है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो IMF का नोड ऑफ हेड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कैपिटल मार्केट्स ऑफ एनी कंट्री, और पाकिस्तान में तो डबल फायदा है इसका कि हमने बहुत कुछ करना है। जिस तरह हमने जो इंटरनेशनल सकूक वगैरह किए, हमने अगर जी ट्रीबिल तो पाकिस्तान में वो 12 महीने तक के हैं, सकूक जो हमने 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए इंटरनेशनल जाके जो हमने उसके अंदर भी IMF प्रोग्राम में होते हुए हमें बड़ी आसानी है। अगर IMF प्रोग्राम से थोड़ा बहुत जो कंट्रीज, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, जो कंट्रीज नहीं है डेवलपिंग वर्ल्ड में, या उनके तरह IMF के और उनकी जरा हेड लॉगर हेड्स है, प्रॉब्लम है कोई, तो फिर मुश्किल होती है उनका। अच्छा सर, पॉलिसीज़ की बात हो रही है, आपने रिफाइनरी का जिक्र किया, तो मैं चाह रही हूँ कि ये IMF के ही चीज़ों से मैं लिंक करूँ। रिफाइनरी पॉलिसीज़ आ रही थी, लेकिन अब कुछ ऑडिट और कुछ इस टाइप की न्यूज़ आ रही है, उससे लोग बहुत परेशान हैं, और ख़ासकर वो इन्वेस्टर जो रिफाइनरीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? और दूसरा ये कि ये जो अभी ऑडिट आ रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने भी आज अखबार में थोड़ा सा देखा था कि जो रिफाइनरी की पॉलिसी ज़रूर लेट पे लेट हो रही है, लेकिन आ जाएगी वो तकरीबन तो वो बजट के साथ हर फ्राइडे को एक्सपेक्टेड होती है, तो कल फ्राइडे है तो इंशाल्लाह कल लगता है कि आ जाएगी। तो CCOE ने हर फ्राइडे को आती नहीं है, जी जी वो तो एक ही दफा आएगी, एक ही दफा आएगी। तो CCOE ने किसी ना किसी पॉइंट पे उसको अपनी चेकिंग कर रहे हैं वो, आई थिंक ये बुरा नहीं है जो एक दफा सोच विचार के, पॉलिसी का जब लफ्ज आता है ना, ये कोई एक मतलब बहुत सिंपल लॉन्ग टर्म कोई चीज है और उस पर काम काफी हुआ है। लेकिन जो आप दूसरी बात करें ना, IMF का जो ऑडिट है उसका इस रिफाइनरी पॉलिसी से टू मी एज फरीद नो टू कनेक्शंस नहीं है आपस में। अच्छा। वो अलग है, ये अलग है। ये नहीं कि IMF ने कहा है कि अभी रिफाइनरी पॉलिसी ला रहे से पहले पहले के दिखाओ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, पॉलिसी की बात नहीं है, जो ऑडिट की बात हो रही है, जब चीजें सेटल होती हैं, सेटल चीजों को टच करना छेड़ना, तो फिर ये तो एक खराब हो जाएंगी ना उनकी परफॉर्मेंसेस, अग्री करते हैं आप? देखिए, एक तो रिफाइनरी पॉलिसी तो अब आ जाएगी, उसको तो हम लगा दें। अब IMF ने अगर कहा है कि रिफाइनरी का ऑडिट करो, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको चाहिए क्लैरिफिकेशन, तो हमारे जो लोग हैं मिनिस्ट्री में बड़े बड़े काबिल किस्म के, उनको चाहिए देन एंड देयर दे दें, और इसको उसको लिंग अराउंड ना करें। राइट, तो ये वाली खबर आनी नहीं चाहिए थी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा अजीब था सा लगा, राइट। लेकिन चले, अगर आई है तो इसका देन एंड देयर आंसर देके इसको ख़त्म करें, और फिर जो हमारा वेट है फ्राइडे वाला वो इतना बुरा नहीं है, हम एक आधा और भी कर लेंगे। चले सर, अगर फ्राइडे का वेट है तो उसके बारे में बता दें क्या पॉइंट्स होंगे जो ऐड होंगे, जिससे पॉलिसी जो है वो आने के बाद आप कुछ अच्छा कल भी ना आए पॉलिसी। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि कुछ अच्छे कुछ इंसेंटिव जो मिलने वाले हैं, या पॉलिसी में जो की पॉइंट्स हैं वो आप प्लीज व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जो पॉलिसी के अंदर जो हमारे आपके प्रोग्राम में मैंने बहुत दफा ही कहा, जो आज थोड़ा सा 30 सेकंड रिपीट कर देता हूँ, कि हमारी पॉलिसी जो हमारी जो रिफाइनरीज हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है एक रिफाइनरी। लेट से आप 100 टन की लगाएं, या 100 आप BPD कर लें, बैरल्स पर डे कर लें, या टन कर लें, कुछ भी कर लें, एक मॉडर्न रिफाइनरी जो कि क्रूड से फर्नेस ऑयल कम बनाए, यानी वो चीज़ बनाए जो आपको चाहिए। वो नई जो रिफाइनरी है बहुत महंगी है, जो हमारे यहाँ बाबा आदम के ज़माने की रिफाइनरियाँ लगी हुई हैं उनके अंदर वो एक नापसंदीदा उनसर बना देती हैं फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल जब से IPPs के वजह से आउट हुआ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, बड़े नुकसान हैं फर्नेस ऑयल की, तो ये वाली चीज़ हम नहीं मानते, मैं पर्सनली तो इन बातों सर है एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है वो। अब हम वेस्ट ने तरक्की कर ली कोयले पे, आज भी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो जाए, वो चाह रहे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों। देखिए, दुनिया में कोयले से जितनी बिजली बनती है डेवलप्ड वर्ल्ड में, उसके तो अशरे अशीर भी नहीं है। लेकिन आज से 10 साल पहले वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB उन सब लोगों ने कहा था कि कोयल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर हम फाइनेंसिंग नहीं करेंगे। तो ये तो एक इन्वेस्ट का तरीका है, हमेशा से रहेगा, पाकिस्तान के साथ नहीं बाकियों के साथ भी ऐसा ही है। आज भी आप देखें, एंड माई यंगस्टर्स विल बेल मी आउट फ्रॉम दिस,
कि आज भी डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर जो बिजली की प्रोडक्शन है वो कोयले पे कितनी है। एक हाइडल वाइडल की तो पाकिस्तान में अल्लाह ने इस तरह का दिया है ना कि हम कर सकते हैं, नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो ग्रेजुअल स्लोप्स हैं, जो डैम्स बनने की जगह हैं, वो बहुत सारे प्लेन मुल्कों में तो नहीं होती। बट ये तो इसलिए मैं इस वाली बात को नहीं मानता। वेस्ट ने तरक्की कर ली सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, या वो अब हमारी बारी आई तो सल्फर कंटेंट आ गया। अच्छा। फिर ये और बातें आ गई। क्रिटिक्स पे ज्यादा जोर होता है, जो चीज अगर नहीं होती तो नहीं मानता। कल हम आपको मिस कर रहे थे इसी वजह से कि सिराज साहब वॉज द गेस्ट और वो आए थे, तो वो भी आपका जिक्र कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, हमने काफी बात की थी, तो आज आप मौजूद हैं। तो क्रिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं सर? पॉजिटिव बात तो एक माशाल्लाह एक बहुत आला पाए के बैंकर हैं और वो हमेशा पॉजिटिव, उनको मुझे गुस्से में उनको नहीं देखा। और क्रिटिक शायद वो ऐसे प्यार से कहते हैं कि लोग महसूस नहीं करते। मेरी बात आपको ज्यादा बुरी लगी तो मैं थोड़ा सा, अब देखिए ये वाली बात को मैं चेंज नहीं कर सकता। देखिए मेरे वालिद माजिद रूम भी कहते थे कि पाकिस्तान के पास कोयले के रिजर्व इतने हैं कि वो इतना हो जाएगा। और एक होता ना जो अपार्ट फ्रॉम हिम अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ एन इरा जो हमसे पहले वाला भी था कि इतने रिजर्व्स हैं थर के अंदर के पाकिस्तान सऊदी अरब के रिजर्व से भी बड़े, जो आंख से ना टपका तो लहू क्या था, कहता ना कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ना टपका तो लहू क्या है। तो अब आए सामने तो फरीद साहब आए, शेर तो जरूरी है सर। ऑटो 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 की बात करते हैं, ऑटो पॉलिसी भी जो है वो बात की जा रही थी, तो कैसी है ऑटो पॉलिसी और कब आएगी? ओके, तो मैं उसको कंक्लूड कर लूँ कि हाँ, थर कोल के अंदर अभी एंग्रो या प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा बहुत काम किया है, अल्लाह करे यहाँ से बिजली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो थोड़ी बहुत, तो फिर हमारी थोड़ी सी क्वेंच हो जाएगी थर्स्ट जो कि कोयले के इतने बड़े ज़खायर के साथ है। राइट, अब आ जाए ऑटो पे। देखिए वेस्ट ने अच्छे काम भी दुनिया में बहुत किए, और ये जो 1990s में जो एक्सल वेट या जो उन्होंने कहा था कि ट्रक के अंदर इतनी अगर कैपेसिटी हो तो अगर हम इतना एफिशिएंसी नहीं लाएंगे इंजन के अंदर तो हम आपको टैक्सेस लगाएंगे, तो दुनिया इकट्ठी हुई, रिसर्च किया उन्होंने। और पहले वहाँ तो किलोमीटर नहीं माइल्स पर है ना, तो अगर पिछला ट्रक करता था अगर 3 माइल्स पर लीटर तो बाद में उन्होंने एफिशिएंसीज बढ़ाई और आपने देखा कि इसके अंदर एफिशिएंसीज अमेरिका से स्टार्ट हुई पूरी दुनिया में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर दौरा है, आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगी। कुछ कंपनीज हैं जो अभी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, आज भी कुछ न्यूज आई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इंडस मोटर ने कहा है कि हम $100 मिलियन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी और बाकी दुनिया के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि चाहे वो 2% करें बट एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट लगाएंगे, तो इट्स अ गुड साइन। ऑटो पॉलिसी के अंदर एक दो बड़े प्लेयर्स का उन्होंने पाकिस्तान में एज अ कंज्यूमर हमें और आपको थोड़ा सा एजिटेट करना चाहिए कि दुनिया में जो चीज़ आ जाती है वो हमारे यहाँ जो मल्टीनेशनल्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं सो कॉल्ड, वो हमें नई प्रोडक्ट नहीं देते, वो 2-4-5-6 साल बाद यहाँ लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हमें फिर इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लेके आनी पड़ती हैं। और हमारे जो ज़खायर हैं ज़रे मुबादला के उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। सर मैं ऑटो के ही रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि कुछ तो कार्स होती हैं और कुछ हमारी जो डेली बेसिस पे ऑटो की बात की जाती है, कुछ हैवी वेटेज या ट्रॉलर्स वगैरह बड़े जो है वो इस टाइप के ट्रॉलर्स होते हैं, तो इसके ऊपर क्या मुराद दी जा सकती है? पॉलिसीज के अंदर किन जो कार्स है या किस कैटेगरी को ज़्यादा लीनियंसी दी जा सकती है, आपका क्या ख्याल है? देखिए मेरा इसके ऊपर ख्याल ऑटो से हट के थोड़ा बियॉन्ड है। जो आप बात कर रही हैं मैं उसी को एक राउंड अबाउट वे में पेश करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ रोड के ऊपर आप रोड नेटवर्क्स पे बोझ डालें, एक्सल वेट से ख़राब करें, और आपको पता है कि पिछले दिनों में भी 2 साल पहले 1 साल पहले एक्सल वेट के ऊपर वेट बढ़ा दिया था उससे। जो दुनिया में रेलवे का निज़ाम है वो लॉन्ग हॉल, जिसने यहाँ से पिशावर तक जाना है रॉ मटेरियल, तो अगर वो ट्रेन से चला जाए तो रोड्स के ऊपर भी ट्रैफिक कम होगा। और हमारे यहाँ लोकोमोटिव्स नहीं थे, मुझे याद है आज से 8 साल पहले एक कोई प्राइवेट सेक्टर ADB ने एक स्टडी की थी, मुझे भी डाल दिया था बीच में, मैंने भी मेहनत करके सोची, लेकिन मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग आज भी हुई है जो मुझे थोड़ी सी एक्वायर्ड नॉलेज थी इन द ईयर 2013-14 कि लॉन्ग हॉल के ऊपर चलनी चाहिए ट्रेन रेल, और आगे जो डेस्टिनेशन फैक्ट्रियों में जो माल चाहे वो जाए ट्रकों से। हमारे यहाँ पिछले दौर में ट्रक कि जो लोग थे ट्रकिंग माइंडेड उनको रेलवे का मिनिस्टर या रेलवे में बहुत बड़ी जगह दे दी गई और वो अच्छे लोग थे, लेकिन
इंसान वही करता है जो उसकी जबिल्लत में या उसके उसमें आता है, खमीर में होता है। तो अच्छा, लालू प्रसाद जैसा बंदा, हम तो मजाक में भी नाम लेते हैं लालू प्रसाद, इंडियन पॉलिटिशियंस, और उसकी मिसेज ने जब वो रेलवे का मिनिस्टर बना तो उन्होंने रेलवे को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया और बहुत प्रॉफिटेबल भी, बहुत तो नहीं, प्रॉफिटेबल कर लिया। ये अगर रेलवे और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप छोड़ भी दें, अगर जो यूजर है या इंडस्ट्री को फायदा हो जाए, अब आप देखें उस जमाने में जो लॉस होता था 50 बिलियन का, तो बहुत लोग शोर शराबा हंगामा करते थे, अब फिर वैसे ही हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर ना कोई रेडिकल चेंजेस चाहिए, रेलवे की जो जमीनें हैं उसके अंदर कुछ हो, और ये जो लोकोमोटिव्स तो प्राइवेट सेक्टर को कहा था कि 30 मिलियन का देर अबाउट जितने का भी आता है, आप रेल हम आपको दे देते हैं ट्रैक, हम आप इस पे लोकोमोटिव लें और अपना माल लेके जाएं। और ये आज से एडीबी ने 2013 की स्टडी में, वो दुरानी साहब और ये वो सारे लोग जो थे, हमारे यहाँ स्टडीज तो बहुत होती हैं, स्टडीज होती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन उनके इम्पैक्ट नहीं आते। आप समझ रहे हैं जो अब पॉलिसीज बन रही हैं, चाहे हमने डिस्कस किया अभी ऑटो पॉलिसी, रिफाइनरी पॉलिसी, अभी और भी एक दो पॉलिसीज मैं चाहूंगी कि आपके प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए डिस्कस कर लूं, लेकिन आप समझते हैं कि जो पॉलिसीज बन रही हैं इसके देर पा नतज या इतने रिजल्ट इम्पैक्ट देंगे, और क्या ये पॉलिसीज कंटिन्यू की जाएंगी फर्दर? देखें, पॉलिसी अगर खुदा ना खास्ता कंटिन्यू ना की जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत खराब, डेवास्टेटिंग आता है बहुत खराब। तो आप सोच समझ के बनाएं पॉलिसी, टाइम लें, लेकिन जो बनाएं फिर उस पर स्टिक करें, ये ना हो कि आपको चेंजेस करनी पड़े। मुझे याद है कि मैं 1990s में पाकिस्तान के पास बिजली एक्सेस होती थी तो एक्सपोर्ट करने की बातें होती थी, फिर इतनी कम हुई कि आपने देखा कि एक गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई, क्योंकि लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में, तो इस तरह की चीजें होती है। बट पॉलिसी को इट हैज टू बी मीडियम और लॉन्ग टर्म। बट हमारे यहाँ लोगों की, मेरी आपकी सबकी, और हमारी जो मेमोरीज है ना बड़ी छोटी हैं, हम भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म है हम, जब ये शॉर्ट टर्म भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, हाँ, वो हमारा मिजाज में शामिल थोड़ा सा है। तो हमारे यहाँ ये है कि जब ऑयल बहुत नीचे आया हुआ था तो हम अपने जो काउंटर पार्ट दोस्तों यार से पूछते थे पब्लिक सेक्टर वालों से कि यार आप हेजिंग क्यों नहीं करते, तो कहते थे यार कर तो ले हेजिंग, और इट इज परफेक्टली मेकिंग सेंस फॉर मी कि हम हेज करें, लेकिन बाद में नैप को कौन से पालेगा। तो हमारे लोग ने ब्यूरोक्रेट डरता भी बहुत है उसको पर ना चेकिंग, और ये बहुत है, हाँ बहुत है, बहुत ओपन है, बहुत से लोग नहीं कहेंगे, बट आई थिंक अलॉट ऑफ पीपल, जब आप पब्लिक सेक्टर में बैठे होते हैं ना तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का फर्क ये है, बहुत सारे और फर्कों में, कि अगर वो बहुत जबरदस्त भी बंदा बैठा हुआ है ब्यूरोक्रेट, उसका फैसला में उस वक्त तो इन द हीट ऑफ फैसला वो होता है जो आप आज के टाइमली डिसीजन, हाँ, जमानों मकान के मुताबिक टाइमली आप कर रहे हैं, कल को उसका क्या रिएक्शन होगा, आपने बेस्ट इंटरेस्ट में अपने काम के इसी बेस्ट इंटरेस्ट की एग्जांपल हमारे पास कंस्ट्रक्शन पैकेज है जो कि कोविड के दिनों में दिया गया और ये बहुत ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आया, तो इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए आप, क्योंकि जब ये टाइमली आया गया और उस वक्त हमने देखा कि पॉलिसी रेट्स और तमाम चीज़ें इसके मुताबिक ही दिए गए, तो ये बहुत अच्छा इसमें एनवायरमेंट जनरेट हुआ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। बिल्कुल सही है, देखिए अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त ये ना किया होता तो इस वक्त बहुत डेवेस्टेटेड ये, राइट, सेंट्रल बैंक को पाकिस्तान में और उनके हमारे गवर्नर साहब को क्रेडिट बहुत जाता है कि उन्होंने दे रोज टू द ओकेजन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबॉडी, लेकिन दे टाइमली डिसीजंस ले लिए, अच्छा टाइम था। अब ये हुआ है, ये भी मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊं कि जो अच्छे जो डिसिप्लिनड बोरोअर्स थे उनको तो बैंक्स ने पैसा दिया, टर्म्स में भी दिया और वेजेस के अगेंस्ट भी दिया और सब दिया, ठीक है। तो जो वेजेस वाला है वो तो चले 1 साल 2 साल 3 साल वाला है, लेकिन जिसको टेम्परेरी इकोनॉमिक रिलीफ फाइनेंसिंग मिल गई उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त मरात है, फिक्स रेट पे है, डॉलर टाइम, और दो कंपटीटर हैं ए और बी, ए वॉज डिसिप्लिनड एंड वॉज एबल टू कन्विंस द बैंकर, पैसा तो बैंकर तो बीच में कंड्यूट है ना, बेटर स्टेट बैंक ने दिया और उस बैंकर को सिर्फ मार्जिन दिया, पैसा भी उसका, मार्जिन दिया बैंक को, और मेरे पास आ गया, मैं ए हूँ, मेरे पास टर्फ की लाइन आ गई, मैंने नई मशीनरी लगा ली, बी को बिकॉज ऑफ सम रीजन वो वाली टर्फ का पैसा नहीं मिला, तो गोइंग फॉरवर्ड टर्फ और विदाउट टर्फ वालों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्क आ जाएगा। दिस इज अनदर रीजन सर, चले डॉलर के ऊपर पूछना चाहूंगी, लेकिन पहले हम देखते चलते हैं ये सेगमेंट। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में, गोल्ड पर तोला प्राइस 1,12,600 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,000
500 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड 1795.39 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल 69.30, ऑयल ब्रांड क्रूड पर बैरल 72.60 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197 रुपीज़, सेलिंग वॉज 199। यूके पाउंड बाइंग रही 230.50, सेलिंग वॉज 232.50। यूएस डॉलर बाइंग रही 168 रुपीज़, सेलिंग वॉज 169। चाइनीज यॉन बाइंग एट 23.65, सेलिंग वॉज 23.80। सऊदी रियाल बाइंग रही 44.50, सेलिंग वॉज 45 रुपीज। यूएई दिरहम बाइंग एट 46 रुपीज, सेलिंग वॉज 46.50। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.40। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। आज हम देख रहे हैं डॉलर अप्रिशिएट करते हुए अगेन दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ गोल्ड अगर हम ग्लोबली बात करें तो यहाँ पे कुछ गिरावट देखी जा रही है। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों चीजों के बारे में कमेंट लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि डॉलर के बारे में बताइए। रुपी काफी अरसे से डिप्रिशिएट हो रहा है और एक कंसिस्टेंट हम देख रहे हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यूज आ जाती है, ऐसा क्यों है? देखिए, कहां 152 का था इंटरबैंक में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हां, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 167 168 169। देखिए, इसके अंदर जो मुझे मेरी जैसी नाकी शक्ल में ये है राय में कि ये जो अफगानिस्तान का जो सलूशन लामिया करे कि आसानी से हो जाए सारा सेटल, अफगानिस्तान की वजह से आपके डॉलर पे प्रेशर है। अच्छा, कहां पूरी दुनिया ये नेटो फौजें और बाकी लोग पोर कर रहे थे डॉलर पाउंड्स और एवरीथिंग, और वो पोरस बॉर्डर्स के थ्रू यहाँ आता था घूम फिर के। अब वहाँ जो इंटरनेशनल से तो अभी उनका बहुत ज्यादा LC-WLC शुरू नहीं होगा, बिजनेस टाइम लगेगा। बट एक अच्छी चीज अफगानियों के बारे में ये है कि वो एक बड़ा कबीला है, उनको बहुत ज्यादा कोई आसाइशें नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा आसाइशी जो वेस्ट बनाता है चीजें वो नहीं चाहिए। तो दे आर कमिंग अप विद द सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन, और वो उनको एसेंशियल चीजें चाहिए। तो जो पाकिस्तान को अभी फिलहाल है, देखें जो अभी उनको फूड स्टेपल फूड में चले जाए, अगर वीट राइस शुगर केन वगैरह वगैरह, वो इंडिया से भी आ रहा था, पाकिस्तान से भी और ईरान से भी। अब इंडिया का बॉर्डर, अब सिर्फ पाकिस्तान से ज्यादा माल जा रहा है और जाएगा थोड़े अरसे तक जब वहाँ और क्योंकि माउंटेनियस रेंज है तो वहाँ बहुत ज्यादा कल्टीवेशन स्टेट अवे तो अभी नहीं है, लेकिन करेंगे, मेहनती और जफाकश लोग हैं। बट आई थिंक ये जो हमारे फूड्स आइटम्स के ऊपर थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो रहेगा, और डॉलर जो आता था वहाँ से मेरे हिसाब से 5-10 मिलियन डॉलर रोज ही आता होगा। अच्छा, आई मे बी रॉन्ग, ये मेरी ऐसे ही चले। सर, गोल्ड के बारे में भी कमेंट करें कुछ। ग्लोबली गोल्ड प्राइस डाउनफॉल की तरफ है, आज हमने देखा 1800 कल था, आज 1795 हो गए। पर तो आप खुश हैं कि परेशान हैं? नहीं, मैं तो खुश हूँ ऑब्वियसली। गोल्ड देखिए, एक है डॉलर जिसने इकोनॉमी हमारी बिजनेस क्लास right. यानी हमारे जो बिजनेस को रन करना है, इम्पोर्ट करना है रॉ मटेरियल या एक्सपोर्ट करना है। लेकिन गोल्ड का हमारे से कोई खास लेना देना नहीं है, बट जाहिर है गोल्ड की प्राइसिंग आपके लिए भी है और आप पूरा बना के भेजते हैं। ओके, लेकिन खवातीन को क्यों टारगेट है? गोल्ड एज सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। चले, मुझे वैसे गोल्ड का इकोनॉमी के अंदर okay. बहुत ज्यादा मुझे रोल नजर नहीं आता। हाँ, कमोडिटी एक्सचेंज वाले लोग जरूर उसके अंदर वो करते रहते हैं। राइट। चले, डॉलर से मैं लिंक करना चाहती हूँ। सर प्लीज, बायलेटरल रिलेशन के बारे में बताइए अफगानिस्तान से। एक तो ये बात हो गई डॉलर की, चले ये तो आप बात पॉइंट आ गया, लेकिन अब आने वाले दिनों में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं चीजों को? जी, एक तो है कि रोजमर्रा का जो इस्तेमाल है वो तो चल रहा है, उसका तो इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा खाने पीने की अशिया और बाकी चीजें जरूरत की जाएंगी। इंडस्ट्री जो यहाँ है, जो बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तान का बिजनेसमैन 15 अगस्त को बहुत खुश था और आज भी खुश होना चाहिए, एक थोड़ी सी जो ऑप्टिमिज्म की हवा कम हुई है फॉर रीजंस बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। आई स्टिल फील कि जहाँ एक दफा सेटल होना शुरू होगा, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी या जो जब भी एक मुल्क अपने हिसाब से चलना शुरू करेगा, तो सबसे पहला हमसाया और वेस्ट के लिए भी हम कंड्यूट हैं, क्योंकि वेस्ट रशिया से, इंडिया से या ईरान से बात करके वहां तक नहीं पहुंचेगा, वो बिल्कुल पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान के थ्रू ही जाएगा। हम ही हैं सामना फेस उनका। हाँ। और राइटली सो, पाकिस्तान की आवाम ने 40 साल बहुत सारी कुर्बानी भी दी और खड़े रहे हैं अपने अफगान ब्रदर के साथ। तो आई थिंक जो इकोनॉमी का है इम्पैक्ट थोड़ा स्लो आएगा, बट जो नी जो झटका लगा वो डॉलर की प्राइस पे लगा। अब आप ये देख लें, और मेरे नाजरीन जो
पिशावर से मुझे देख रहे होंगे, आप देखिए कराची में 160, अगर ओपन मार्केट में 168 169 का डॉलर होगा तो पिशावर में 1-2 रुपए ऊपर होगा। उसकी रीजन वही जो मैं एग्जैक्टली हाँ, तो वहाँ सेटल करना है उन्होंने आपस में, और अभी वहाँ क्योंकि जाहिर है कोई बैंकिंग सेक्टर का उस लेवल का अभी दोबारा शुरू नहीं हुई जब चीजें शुरू होंगी, तो इस ट्रांजिशन के अंदर थोड़ा वोलेटिलिटी इन द डॉलर रहना ना, इट इज बट चीजें बेहतर कब तक होती हुई दिखाई देंगी, खासकर अगर हम डॉलर की बात करें तो एप्रिसिएशन या फिर एक स्टेबिलिटी कब तक एक्सपेक्टेड है? जो कमोडिटी रन है, देखिए हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो न्यूट्रलाइज करती थी ये सारे करेंसीज के फ्लोस को, और ये वो इस दफा नहीं किया अभी तक, लेकिन इन द लॉन्गर रन कर लेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई ऐसी आपने मुल्क में एक ऐसे कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की जिसका रॉ मटेरियल सारा का सारा बाहर से आता था, 80 रुपए का रॉ मटेरियल आया, 10 रुपए लेबर शेबर लगाई उसने और 100 रुपए का माल बेच दिया, अब 80 का नहीं आ रहा वो 90 का आ रहा है, तो आपका मार्जिन इरोड होता जा रहा है। तो जाहिर है इस वाली कंपनी को जिसका इन्हेसार इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे है उससे इन्वेस्टर थोड़ा पीछे हटेगा। बिल्कुल। अब आप आ जाए ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है जिसका एक्सपोर्ट है, तो जो पहले 152 पे एक्सपोर्ट कर रहा था अब वो 168 पे एक्सपोर्ट करेगा, तो उसके जो 16 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे तो उसका 16 रुपए अगेंस्ट $1 जब एक्स्ट्रा आएंगे तो एक्सपोर्ट तो डॉलर में हो रही है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन बढ़ जाएगा, तो उन कंपनियों की प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट सेक्टर्स ही कुछ ऐसे हैं जिनका रॉ मटेरियल भी वहीं से आता है, तो वो बात की आपने, हाँ, तो वो तो इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब आपको अकाउंटिंग हैट पहनना पड़ेगा, अगर चले आपकी एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ, ये नहीं है कि यहाँ की चीज बनाई हुई रॉ मटेरियल यूज किया और एक्सपोर्ट कर दिया, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसका रॉ मटेरियल आता है इम्पोर्ट होता है और फिर उसकी फिनिश एक्सपोर्ट होती है, तो जब आया वो सस्ता रॉ के चक्कर में आया, रॉ से समझ जाएंगे हमारे क्लाइंट कि वो सस्ती चीज आई, उसके ऊपर लेबर FOH सब कुछ लगा और वो सेल प्राइस की हद में जिसमें प्रॉफिट भी शामिल है बाहर गया, तो ये जरूर है कि कंपेंसेट होगा डॉलर बढ़ने से एक, लेकिन बेनिफिट फिर भी एक्सपोर्टर को ही होगा। राइट, मार्केट की बात कर लेते हैं लास्ट मोमेंट से प्रोग्राम के, तो मैं चाहूंगी कि टेक्निकल टर्म्स में बता दें मार्केट कहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रही है। 46,000 के लेवल से 48,000 का लेवल काफी डिफिकल्ट टास्क है और इसके बाद मार्केट जाते हुए दिखाई नहीं दे रही, ऐसा क्यों है? देखिए पहले 47,000 पे हम लोग कहते थे कि शायद ना टूटे और पिछला वाला हाई 53,000 जल्दी तोड़ दे, लेकिन इट हैज टेकन, ये लास्ट 2-2.5 महीने बहुत गुजर गए, मतलब बिल्कुल ही फ्लैटिश। I am very bullish. मुझे लगता है कि एक direction market ले लेगी। Okay. 3-4 चीजें थोड़ा settle होती जाएं, जो variables हैं, तो by December, मेरी ख्वाहिश भी है, मुझे लग भी रहा है। तो अगर मैं अपने बातिन की आँख खोलूं, तो कि पिछला हाई इंशाल्लाह मार्केट तोड़ेगी 53,000 का। Right. And what are the sectors? कौन से sectors choose and pick करना चाहिए अभी की मार्केट के अंदर या फिर December से पहले? देखिए हमारे यहाँ ना कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे बड़ा इशू वही रॉ मटेरियल वाला आ गया कि सीमेंट सेक्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, उनकी उनकी जो सेल्स है बहुत अच्छी है, लेकिन कोयला जो कि एक उनका एक बुनियादी जुज है, कॉस्ट ऑफ पर बैग में भी बहुत बड़ी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। अच्छा, कमोडिटीज जब सॉफ्ट और हार्ड कमोडिटीज की जब प्राइसिंग गिरेगी और गिरेंगे क्योंकि अभी ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से बढ़ी है, हमारी ख्वाहिश भी है और सोच भी है और लग भी रहा है कि ये जब सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होती हैं तो ये प्राइसिंग ऊपर नीचे होती है, कोयले का अंदर जब ये गिरेगा और जो ऑयल भी गिरेगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वापस चली जाएगी, तो फिर कंस्ट्रक्शन पे वापस आएंगे। आजकल आजकल लोग क्योंकि प्राइस, देखिए आइडियली तो ये था कि सीमेंट सेक्टर अपना जो महंगाई थी, जो इनपुट कॉस्ट महंगी हुई है वो अपनी कॉस्ट में ऐड कर देता, अपनी सेल प्राइस में ऐड कर देता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट एंड परहैप्स राइटली सो वो तो थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं कि आप ना करें, तो कब तक वो बेचारा अपने मार्जिन के अंदर से खाता रहेगा। कंस्ट्रक्शन पैकेज भी दिया हुआ है तो वो अपने तरीके से ये सोच रहे हैं कि बिल्डर भी सीमेंट और स्टील और कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्टिल इज द डार्लिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, बट थोड़ा सा उनके रॉ मटेरियल के महंगे होने की वजह से रुके हुए हैं लोग। थैंक यू सो मच फरीद आलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल परफॉर्मेंस, MSCI और साथ साथ पॉलिसीज के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं बात कारोबार की टीम के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।